चांडी बाबा से लगे हुए कुछ दर्शनीय मंदिर जो कि चांडी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण मुखा हनुमान मंदिर जो कि साईं बाबा के पीछे है, गेट नंबर 4 के पीछे। यहाँ ये दक्षिण मुखा चांडी मंदिर है। यहाँ ये श्री द्वार माई के लिए भी जस्ट पीछे ही है, साईं बाबा के पीछे लगता है मंदिर। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देख सकते हैं अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, कर सकते हैं आप दर्शन चिड़ने वाले साईं बाबा के। द्वारका माई चावड़ी यानी देख सकते हैं चावड़ी, जो कि आप किसी भी शहर से नासिक या मनमाड़ से आप यहाँ चिड़नी साईं बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसी के पीछे जस्ट मंदिर है साईं बाबा का, वहाँ एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं है, इस कारण मैं इसकी वीडियो नहीं दे सकता आपके लिए। देख सकते हाँ जी अब्दुल वासी का झोपड़ी है, देख सकते हैं वो आप सामने देख रहे हैं। वहाँ प्रवेश द्वार है जो कि सोने का स्तंभ से साईं बाबा की सिंहासन विराजमान है। अभी सिरनी साईं बाबा भक्त लोग यहाँ बहुत ही संख्या में आते हुए, आप चाहो तो VIP टिकट से भी यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। बंसा लेन में लग के ज़्यादा आनंद है दर्शन करने के लिए। मैं धर्मेंद्र राजपूत आज आपको सिरनी साईं बाबा के दर्शन कराने आया हूँ। करते हैं अगला भाई कक्ष है, यहाँ भक्त निवास भी हैं, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी हैं, जहाँ चाहे उसमें रुक सकते हो। यहाँ से चन्नी सिंगापुर भी जा सकते हो, नासिक भी जा सकते हो, त्र्यंबकेश्वर के भी दर्शन कर सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजपूत आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इधर महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है जो कि लगभग आसी पास में है, और जो कि चन्नी सिंगापुर भी थोड़ी ही पास पड़ता है। यहाँ ये मार्केट है, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, देख सकते हैं मार्केट इधर चेकिंग और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिस कारण मैं अंदर की वीडियो नहीं दे सकता। आप किसी भी शहर से नासिक मनमाड़ पुणे के लिए ट्रेन मिल जाए, वहाँ से भी आप सिडनी साईं बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। दर्शनीय देख सकते हैं पान है जो कि ज्वालर सिंह भी और हर एक प्रकार का सामान भी यहाँ मिल जाता है। इसकी अपेक्षा कहीं से भी खरीद लीजिएगा, मार्केट बहुत बड़ा है साईं दरबार में। जी हाँ, यहाँ से बाहर आते हुए लोग दर्शन कर देख सकते हैं। ये दर्शन करने के बाद बाहर आते हुए लोग जो कि साईं बाबा के दर्शन कर जस्ट यहीं आते हैं, देख रहे हैं ये चिता जल वो जल रही है अग्नि, जहाँ यज्ञ की वो है वहाँ पर आप माथे पर धूप भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये सभी श्रद्धालु दर्शन कर वापस आ रहे हैं। ये क्योंकि अकेले अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इस कारण अंदर का फुटेज मैं इतना ही आपको दे सकता हूँ। अब मैं बाहर अंदर गेट प्रवेश करते वो भी दिखाने जा रहा हूँ। 4 गेट हैं जहाँ से प्रवेश किया जाता है। जी हाँ, मैं आखिरी गेट 5वें गेट से बाहर निकलते हैं लोग बाग। यहाँ पर भी सेल्फी लेते हुए लोग बाग। नमस्कार।